पेश है हनुमानगढ़ श्री गंगानगर की खास खबरें। हनुमानगढ़ पुलिस उप अधीक्षक अंतर सिंह चौरान ने लॉकडाउन के दौरान शहर का दौरा करते हुए डीजल केरोसिन लेकर जा रहे टैंकर को पकड़ लिया। ट्रक चालक और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जंक्शन पुलिस ने सीओसीटी की रिपोर्ट पर दोनों लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच अधिकारी थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि टैंकर से डीजल केरोसिन मिश्रित पेट्रोल पदार्थ 18,000 लीटर बरामद हुआ। मौके पर ट्रक में सवार सतवीर सिंह और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पुलिस ने गांव संतपुरा के निकट करनी नहर से अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की है। पुलिस शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने ग्रामीण गुरपाल सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शव कई दिनों पुराना है। श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर पुलिस थाना क्षेत्र में शिवपुरी मोड़ के निकट बाइक के गड्ढे में लगने पर नीचे गिरे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बाइक सवार युवक पर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक जनकराज धानक था। उसके भाई मनोज धानक ने रिपोर्ट दी है कि प्रेम कुमार और उसका भाई जनकराज बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में बाइक गड्ढे में लगने पर पीछे बैठा उसका भाई जनकराज नीचे गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने से जनकराज की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। श्रीगंगानगर में जवाहरनगर पुलिस ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों को भ्रमित करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मीरा चौक पुलिस चौकी प्रभारी SI ज्योति नायक की ओर से हाउसिंग बोर्ड के बालूराम मेघवाल के खिलाफ धारा 188 और IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर धारा 144 का उल्लंघन किया। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव सिलवानी में रहने वाली विवाहिता ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन करने पर परिजनों ने विवाहिता को यहां भर्ती करवाया था। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।